हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रतिदिन हम आपके लिए सीबीसीटी की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें मैंने जब स्टार्ट स्टार्ट अपनी अपनी क्लासेस क्लासेस को को किया किया था, था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल लेवल से से आपको आपको कंप्यूटर कंप्यूटर का का इतिहास इतिहास समझाया समझाया था, था, थ्योरी थ्योरी की की क्लासेस क्लासेस थी, थी, और और पूरा पूरा एक एक के के मैंने मैंने चैप्टर पूरा एक मैंने खत्म खत्म कर कर दिया दिया है। है। और और अब अब जो जो दोस्तों दोस्तों मैं मैं क्लासेस क्लासेस अभी अभी ले ले रहा रहा हूं हूं आप आप लोगों लोगों के के लिए, लिए, वो वो एमसीक्यू एमसीक्यू की की क्लासेस क्लासेस हैं हैं दोस्तों। दोस्तों। और और इसमें इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन है है जो जो आपकी आपकी सीबीसीटी सीबीसीटी के के एग्जाम एग्जाम में में तो तो आ आ ही ही गई। गई। इसके इसके साथ 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 और और भी भी जो जो कंप्यूटर कंप्यूटर की की परीक्षाएं परीक्षाएं होती होती हैं हैं, जिन्हें जिन्हें कंप्यूटर कंप्यूटर पूछा पूछा जाता जाता है, है, चाहे चाहे वो वो न्यायालय न्यायालय की की हो, हो, पटवारी पटवारी की की हो, हो, चाहे चाहे ग्रेड ग्रेड वन वन ग्रेड ग्रेड टू टू ग्रेड ग्रेड थ्री थ्री की की हो, हो, जिनमें जिनमें थोड़े 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 कंप्यूटर कंप्यूटर पूछे पूछे जाते जाते हैं हैं उनके उनके लिए लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है है दोस्तों, दोस्तों, ठीक ठीक है है ना? ना? तो तो तैयार तैयार हो हो जाइए जाइए मेरे मेरे साथ साथ द द एग्जाम एग्जाम एक्सप्रेस एक्सप्रेस के के शानदार शानदार सफर सफर में, में, और और आपके आपके लिए लिए कुछ कुछ और और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भी भी आने आने आपके आपके सीबीसीटी सीबीसीटी में में दिए दिए हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, इस इस क्लास क्लास के के अंतर्गत अंतर्गत मैं मैं वो वो भी भी आपको आपको बताऊंगा। बताऊंगा। आज आज का का पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर पर ये ये रहा रहा दोस्तों, दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन है है भारत भारत में में सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस किस राज्य राज्य में में इंटरनेट इंटरनेट पर पर टेलीफोन टेलीफोन डायरेक्टरी डायरेक्टरी उपलब्ध उपलब्ध कराई कराई गई गई थी? थी? जब जब भी भी भारत भारत में में पहला पहला फर्स्ट फर्स्ट और और की की बात बात आ आ जाती जाती है, है, फर्स्ट फर्स्ट या या लास्ट लास्ट या या कह कह सकते सकते हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, छोटे छोटे बड़े बड़े और और पहले पहले लास्ट लास्ट की की जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हो हो जाता जाता है, है, ठीक ठीक ना? ना? चलिए, चलिए, तो तो ये ये ऑप्शन ऑप्शन हो हो जाएगा जाएगा आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश भी भी हो हो जाएगा, जाएगा, सिक्किम सिक्किम भी भी हो हो जाएगा, जाएगा, झारखंड। झारखंड। इसका इसका जो जो राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा जाएगा तो तो वे वे कौन कौन सा सा हो हो जाएगा? जाएगा? तो तो भारत भारत में में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सिक्किम सिक्किम में में कहां कहां पर पर दोस्तों? दोस्तों? सिक्किम सिक्किम में में इंटरनेट इंटरनेट पर पर टेलीफोन टेलीफोन डायरेक्टरी डायरेक्टरी का का उपलब्ध उपलब्ध कराई कराई गई गई थी? थी? ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर हमारा हमारा बी बी इज इज द द राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा। जाएगा। क्लियर क्लियर है? है? सिक्किम। सिक्किम। अब अब अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 190वें 190वें नंबर नंबर का का दोस्तों, दोस्तों, वह वह क्या क्या कहता कहता है? है? HTML HTML का का पूरा पूरा नाम नाम क्या क्या है? है? HTML HTML का का फुल फुल फॉर्म फॉर्म पूछा पूछा जा जा रहा रहा है, है, और और कई कई बार बार एग्जाम एग्जाम में में ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन आ आ चुका चुका है, है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, याद याद रखिए। रखिए। ये ये ऑप्शन ऑप्शन जगह जगह हाइपर हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज, बी बी हो हो जाएगा जाएगा हाइपर हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट हाइपर हाइपर टीच टीच मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज, और और सी सी हो हो जाएगा जाएगा हाइपर हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मेल मेल लैंग्वेज, लैंग्वेज, और और डी डी हो हो जाएगा जाएगा हाइपर हाइपर टीच टीच मेल मेल लैंग्वेज। लैंग्वेज याद याद रखिए, रखिए, HTML HTML का का जो जो फुल फुल फॉर्म फॉर्म होता होता है है वो वो होता होता है है हाइपर हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज। अब अब HTML HTML होता होता क्या क्या है? है? HTML HTML असल असल में में क्या क्या होता होता है? है? एक एक वेबसाइट वेबसाइट जो जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता होता है है दोस्तों दोस्तों वेबसाइट वेबसाइट का, का, तो तो उसका उसका एक एक ढांचा ढांचा होता होता है है दोस्तों। दोस्तों। क्या क्या होता होता है? है? एक एक ढांचा ढांचा होता होता है, है, एक एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता होता है है जो जो कि कि HTML HTML के के द्वारा द्वारा ही ही डेवलप्ड डेवलप्ड किया किया जाता जाता है। है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए इज इज द द राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा। जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा 191वें नंबर का। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया गया था है? कई बार क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, चलिए आज आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BSNL, और बी ऑप्शन हो जाएगा IETF, और डी हो जाएगा NIC, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो मैं अगर आपको बता दूं तो इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क में दिया हुआ है, जैसा कि कल मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आज ऐसे ही आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है स्टूडेंट, ठीक है ना? चलिए आप बड़े, हालांकि मेरे को पता है मैं यहाँ पर लिखकर 2 मिनट में बता भी दूंगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ दोस्तों कौन कौन सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसी डिवाइस के बारे में बताना है जो क्या होता है, दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस, बी हो जाएगा यहाँ पर बस एक टोपोलॉजी के बारे में बात हो रही है, बी हो जाएगा जाएगा रोडवे, रोडवे, और और सी सी हो हो जाएगा जाएगा गेटवे, गेटवे, और और डी डी हो हो जाएगा जाएगा पाथवे। पाथवे। यहाँ यहाँ पर पर दोस्तों 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 अगर अगर देखा देखा जाए जाए इसका इसका जो जो राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा जाएगा दो दो डिवाइसों डिवाइसों या या दो दो से से अधिक अधिक डिवाइसों डिवाइसों को को या या कह कह सकते सकते हैं हैं नेटवर्कों नेटवर्कों को को जो जो आपस आपस में में जोड़ता जोड़ता है है उसको उसको हम हम क्या क्या बोलते बोलते हैं, हैं, उसको उसको बोलते बोलते हैं हैं हम गेटवे। गेटवे। क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं उसको? उसको? गेटवे। गेटवे। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर हमारा हमारा सी सी इज इज द द राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा। जाएगा। क्लियर क्लियर है है यहाँ यहाँ तक? तक? दिक्कत दिक्कत तो तो नहीं? नहीं? अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या है, है, HTTP HTTP का का उपयोग उपयोग करती करती है है दोस्तों। दोस्तों। HTTP HTTP का का उपयोग उपयोग कौन कौन करती करती है? है? इसका इसका आंसर आंसर देने देने से से पहले पहले मैं मैं आप आप सभी सभी को को बता बता दूं दूं कि कि अगर अगर मैं मैं अपनी अपनी सीबीसीटी सीबीसीटी का का दोस्तों दोस्तों एक एक मैं मैं कह कह सकते सकते हैं हैं ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट कंडक्ट कंडक्ट कराने कराने वाला वाला हूं हूं दोस्तों, दोस्तों, सीबीसीटी सीबीसीटी का का एक एक ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट होगा होगा जो जो कि कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री फ्री और और निःशुल्क निःशुल्क होगा, होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगा, रहेगा, ठीक ठीक है है ना? ना? आप आप लोग लोग भी भी दे दे सकते सकते हैं, हैं, और और फ्री फ्री आपके आपके लिए लिए बिल्कुल बिल्कुल एक एक पीडीएफ पीडीएफ भी भी प्रोवाइड प्रोवाइड कराई कराई जाएगी जाएगी दोस्तों। दोस्तों।
इंक्लूड करना है, कैसे मैं शामिल करूंगा आपको। चलिए अब HTTP का उपयोग करती है, ऑप्शन हो जाएगा वेब पेज, बी हो जाएगा सर्वर, सी हो जाएगा वर्कशीट और डी हो जाएगा वर्कबुक। यहाँ पर देखिए दोस्तों का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो HTTP का उपयोग कौन करता है, तो वेब पेज करता है दोस्तों, कौन करता है, वेब पेज करता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेब पेज। अब अगला क्वेश्चन 194 नंबर का, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो WWW प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, चलिए मैं पहले इसको राइट आंसर बताता हूँ, ए ऑप्शन हो जाएगा HTTP, बी हो जाएगा WBCC, हो जाएगा FTP और डी हो जाएगा MTP। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि WWW प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है दोस्तों, बताएगा कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए WWW का जो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वह HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है दोस्तों, किसका, WWW का। अब WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, क्लियर है यहां तक, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 195 नंबर का, मैं उससे पहले आपको बता दूं, देखिए NTPC रेलवे के फॉर्म डल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, जिसके भाई बहन या बड़े भाई बहन, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग रेलवे NTPC का फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी वैकेंसी आई है, उसके लिए तैयारी करने का भी हम आप लोगों को कराएंगे इसी चैनल पर। जीके की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, 1 या 2 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके साथ साथ और भी जो क्लासेस होंगी उनके लिए भी मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कैसे क्या करना है, तो इनके आप लोग फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना, संभवतः जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और SSC GD की भी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिन्हें स्टूडेंट SSC GD का फॉर्म भर चुके हैं वो क्लासेस को देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज पेज या पेज मेन पेज दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान के चलिए आपने CPCT टाइप किया और CPCT जैसे आपने गूगल पे टाइप किया और सर्च कर दिया, तो जो उसका वेबसाइट पर जो फ्रंट पेज आता है, पहला पेज जो रिजल्ट के तौर पर आपको डिस्प्ले पर शो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मास्टर पेज, बी हो जाएगा होम पेज, सी हो जाएगा फर्स्ट पेज और डी हो जाएगा बैनर पेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप किसी भी वेबसाइट का जो आप एक्सेस करते हैं, उसका जो मेन पेज जैसे ही दिखाई देता है रिजल्ट के तौर पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होम पेज बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम होम पेज बोलते हैं, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 196 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटफिट, बी हो जाएगा ब्राउजर, सी हो जाएगा केबल और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, तो याद रखिए बताएगा कोई, ब्राउजर करता है, कौन करता है, ब्राउजर करता है। अब जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, अब आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट चलाना है, तो आप क्या करेंगे, किसको खोलेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे, या ब्राउजर के तौर पर आप ओपरा मिनी खोलेंगे, या यूसी ब्राउजर खोलेंगे, या क्रोम खोलेंगे, ये सारे ब्राउजर के अंतर्गत आते हैं, तो कौन करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्राउजर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए 197 नंबर का क्वेश्चन है, ORG का संबंध किससे, इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको ये करा चुका हूँ दोस्तों, और ये कह सकते हैं एक प्रकार के कोड है किसी भी संस्थान की, ठीक है ना, ORG का संबंध किससे, एक ऑप्शन हो जाएगा, आपने देखा हो ना जब आप किसी भी ईमेल एड्रेस को टाइप करते हैं लास्ट में लिखा था .org.com.gov, तो ऐसे ORG का संबंध किससे, एक ऑप्शन हो जाएगा गैर व्यवसायिक, बी हो जाएगा शिक्षा से, सी हो जाएगा संगठन से और डी हो जाएगा व्यवसायिक से। याद रखिए ORG का संबंध किससे है, बताएगा कोई, तो ORG का संबंध एक ऑर्गेनाइजेशन से होता है, किससे, एक ऑर्गेनाइजेशन से होता है, एक संगठन से, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही दोस्तों EDU होता, EDU होता तो इसका संबंध शिक्षा से होता, क्लियर है, और यही अगर GOV होता तो इसका संबंध गवर्नमेंट से होता है, यानी सरकारी वेबसाइट से होता है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा और ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं पहले। अब जैसे यहाँ पर .com लिखा हुआ है, आप देखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
amazon.com हुआ, और जब आप मान के कोई अपनी ईमेल एड्रेस बताते हैं जैसे examexpress@gmail.com, तो com का संबंध किससे? ए ऑप्शन हो जाएगा व्यापारिक संस्था, और बी ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विशेषता, सी हो जाएगा कला से संबंध, और डी हो जाएगा ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जो डॉट कॉम होता है तो डॉट कॉम का संबंध देखिए, इसको बोलते हैं डॉट, इसको क्या बोलते हैं डॉट, और इसको कॉम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डॉट कॉम का संबंध किससे है? तो एक कह सकते हैं एक व्यापारिक संस्था से दोस्तों, किससे? एक एक व्यापारिक संस्था से। क्लियर है तक? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 199 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले इसका क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी पहली बार आ रहे हैं, देखिए आपके संपूर्ण सहयोग की हमको भी जरूरत पड़ती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम और भी बैचेस को स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब से स्टार्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब 199 नंबर क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, याद रखिए। ए ऑप्शन जाएगा 1992, बी जाएगा 1993, सी जाएगा 1994, और डी जाएगा 1995। इंटरनेट की सुविधा भारत में कब हुई थी? तो याद रखिए, भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1995। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन है 200वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन कहता है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूजर आईडी, बी हो जाएगा यूजर एड्रेस, सी हो जाएगा यूआरएल, और डी हो जाएगा ये सब। याद है कि वेबसाइट का जो एड्रेस है वह क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक कि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।